गाइस अभी आ गई है एक वाटर क्रॉसिंग। बारिश जो हुई थी कल ये उसी का नतीजा है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं टू धोलावीरा विच इज अराउंड 250 टू 300 किलोमीटर्स और दोपहर के बजने अभी एक, अभी हमें लंच भी करना है तो देखते हैं कितने बजे तक हम पहुँचते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी आ गई है एक वाटर क्रॉसिंग। ये जो बारिश जो हुई थी कल ये उसी का नतीजा है। से छोटे छोटे गांव से जा रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है देख के द विलेज लाइफ। आप तो देख रहे होंगे कि ऐसे लग रहा है रेत है, तो ये यहाँ की जो मिट्टी है, जो मिट्टी है वो भुरभुरी है, रेगिस्तान की जो सैंड होती है ना वैसे। तो वैसे बीच में से छोटे से गांव लग रहे हैं, उसके बाद एक लंबा स्ट्रेच है दोनों तरफ ग्रीनरी का। शायद से गूगल ने हमें दिया है धोखा और अभी हम फिर से यूटर्न ले रहे हैं। कभी कभी गूगल काफी कंफ्यूजिंग होता है, मतलब ये गूगल घुमाता रहता है। तो पहले तो घुमाया हमें गूगल ने, अभी उसी रास्ते से हम फिर से जा रहे हैं। What was that rice? आपने देखा वो क्या था? गूगल हमें किन गलियों से लेके जा रहा है, गांव की गलियों से। पर ठीक है, इट्स एन एक्सपीरियंस यार। बीच में छोटे गांव हैं, वो छोड़ के कुछ भी नहीं है दोनों तरफ, इक्का दुक्का गाड़ी जा रही है। रात को यहां से जाने के लिए तो फटी होगी भाई। सो गाइस अभी हम रुके हैं एक ढाबे पे, पता नहीं इस रोड पे पिछले 15-20 किलोमीटर से हम लोग जा रहे हैं, ढाबे ही नहीं है, छोटे छोटे ढाबे हैं। और अभी आप ये देखोगे, देखो ये इसका अप्रोच है पूरा। तो एक 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 कोने से हमको थोड़ी जगह मिली, वो तो हम गाड़ी यहाँ तक ले आए। अभी कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि भूख इतनी लगी है कि अभी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो हम लोग अभी यहाँ पे कुछ खाते हैं। तो गाइस खाना आ चुका है। खाने में हमने मंगाया है टमाटर सेव की सब्जी, सैलड है, छाछ है और बाजरे की रोटी। तो सो गाइस हमारा खाना हो चुका है। खाना बहुत अच्छा था, मज़ा आया। मेन तो है ये बात है कि 15 किलोमीटर से चल रहे थे और कहीं पे भी ढाबा नहीं था, ये की जगह मिली जहाँ पे हम खाना खा सके और सही में खाना अच्छा था। अभी हम निकले हैं इस ढाबे से, 1.5 घंटे का ब्रेक हो गया यार, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया। अभी ये सब कवर करना पड़ेगा क्योंकि उसने जैसे कहा अंधेरा होने के पहले हम अपने लोकेशन डेस्टिनेशन पे पहुंचना पसंद करते हैं, लेकिन चलो ठीक है,
बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हुई, दोस्तों मतलब नए दोस्त मिले, टाइम अच्छा कटा। लेफ्ट में देख सकते हो ये एक आइलैंड है और मंदिर बनाया गया मंदिर है, ये क्या है पता नहीं, बट दिस इज डेफिनेटली अ प्लेस ऑफ वर्शिप। काफी खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों नज़ारे देखो, नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। गाइस हम लोग यहाँ पे रुके थे चाय पीने के लिए और यहाँ से ढोलावीरा है जो है अराउंड 70 किलोमीटर, छोटी सी टपरी है, बट देन चाय बहुत सही थी और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती और एक कप दे दिया। रियली गुड पीपल, वेरी इनोसेंट पीपल, डाउन टू अर्थ पीपल। सारे हमारे दोस्त हो गए। ये जो रोड है ढोलावीरा के लिए ये स्ट्रेट स्ट्रेट है और सुपर रोड है, एकदम स्मूथ और दोनों तरफ झाड़ियां हैं और कुछ भी नहीं है। इस हार्डली एनी पीपल हु स्टे हियर। वो तो हमारी ऑक्सिलरी लाइट्स है, वन आप देख सकते हो। दूर दूर तक कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरा है और इस अंधेरे के बीच में से हम चीरते हुए जा रहे हैं टू आवर डेस्टिनेशन ढोलावीरा। करीब 8:15 बज चुके हैं और हमें और 45 to 50 minutes लगेंगे ढोलावीरा पहुंचने के लिए। काफी थक चुके हैं, कल भी हमने 622 किलोमीटर किया, आज भी हमारा 300 प्लस किलोमीटर होगा। तो फिर हम पहुंच गए हैं ढोलावीरा में। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स द रूम। देता हूँ, सो दिस इज आवर रूम विच इज अ नॉन एसी रूम और ये बाथरूम काफी साफ सुथरा है। दिस इज हाउ द रिजॉर्ट लुक्स। ये यहाँ पे सब नॉन एसी रूम्स है और ऑन द अदर साइड आधे एसी रूम्स। अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। रिसेप्शन और रेस्टोरेंट एक ही जगह पे, तो अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए क्योंकि हमें बोला गया कि 15 मिनट में आ जाओ क्योंकि वो स्टाफ जो है खाना बनाने वाला वो निकल जाएगा। तो अभी हम जैसे हमने बस सामान रखा है अपना रूम में एंड देन वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।